नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आप देख रहे हैं होम्योगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इस बिल का काफ़ी समय से एलोपैथिक डॉक्टर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विरोध कर रहा था। इसके बहुत सारे प्रावधानों का विरोध किया जा रहा था, किंतु मुख्य जो विरोध था वो था ब्रिज कोर्स को लेकर। भारत सरकार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में आकर ब्रिज कोर्स का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, किंतु उसकी जगह कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट इस बिल में डाल दिया। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि यदि आयुष डॉक्टर्स जिन्हें ब्रिज कोर्स मिल रहा था उनका विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा था, तो अब नर्सेस को यदि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का पद दिया जा रहा है तो उसका तो और भी अधिक विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एलोपैथिक डॉक्टर करेंगे। तो दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि हमारी वह शंका बिल्कुल सच साबित हो रही है। कल यानी 8 अगस्त को पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये जो हड़ताल है ये ना केवल नॉर्मल ओपीडी के लिए, मतलब ना केवल नॉर्मल मरीजों के लिए, बल्कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी ये हड़ताल किए जा रही है। मतलब कल 8 अगस्त को इमरजेंसी सेवाएं भी पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ठप कर देगा। तो दोस्तों, ये किस प्रकार का दोगलापन है कि एक तरफ तो आप ब्रिज कोर्स या कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का विरोध ये कहकर करते हैं कि इससे लोगों को चिकित्सा व्यवस्था सही तरीके से नहीं मिल पाएगी, वहीं दूसरी तरफ आप अति इमरजेंसी चिकित्सा व्यवस्था भी यह कहते हुए ठप कर देते हैं कि हम कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटो और दे रहा हूँ। आप इस फोटो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि एक MBBS डॉक्टर होता है, एलोपैथिक डॉक्टर होता है, और जहां तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य भी होता है, आप देखिए कि किस प्रकार से एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने इस आदेश में साफ साफ लिख रहा है कि यहां पर डॉक्टरों की कमी है। इस कारण से अभी नर्सेस जो हॉस्पिटल में उपस्थित है, नर्सेज हैं, वो OPD और इमरजेंसी चिकित्सा व्यवस्थाएँ देखेंगी। तो देखिए ये किस प्रकार का दोगलापन है कि आप अभी अपनी नर्सेस से इस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं करवा सकते हैं, आप उनसे चिकित्सा देने को कह रहे हैं, किंतु भारत सरकार यदि उन्हीं नर्सेस के लिए कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का पद लेकर आती है और उन्हें चिकित्सा देने के लिए अधिकृत करती है तो आप उसका विरोध करते हो। परंतु दोस्तों, एक बात आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का पद है, भारत की आम जनता इस पद के पक्ष में है, क्योंकि आम जनता जमीनी स्तर पर डॉक्टरों की कमी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो जानती है कि हमारे इलाज जो है अभी एक 5वीं 8वीं फेल झोला छाप डॉक्टर कर रहा है जिसे जनरल नॉलेज भी नहीं है, किंतु यदि हम ट्रेनिंग लिए हुए भारत सरकार के द्वारा पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग के बाद जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का पद होगा उसके द्वारा यदि हमारा इलाज होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आम जनता ने वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं कि हम गांव से इतने किलोमीटर दूर MBBS से इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद हमारा नंबर आता है, और इमरजेंसी केसेस में हमें जो है तीव्र बुखार आने पर अपने गांव के झोला छाप डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाना पड़ता है। तो भारत सरकार इस जमीनी हकीकत को समझती है, इसे देखते हुए उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का पद लाई हुई है। परंतु लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या MBBS इस परेशानी को या तो समझना नहीं चाहता या जानबूझकर भी अनजान बनता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस हड़ताल का क्या नतीजा निकलता है। परंतु एक बात तो तय है कि कल यानी 8 अगस्त को भारत में चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी तरह से अव्यवस्थित रहेंगी, मरीजों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होंगी। तो मेरा आयुष डॉक्टर से ये निवेदन है कि कल आप पूरे देश की चिकित्सा व्यवस्था को संभालने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दीजिए, अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों का फ्री इलाज कीजिए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाइए कि आयुष के डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए हमेशा दिल से तत्पर है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।